नमस्कार, मैं प्रिया अवध। प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। खबर राजस्थान के डूंगरपुर जिले की है, जहां गांधी जयंती पर कांग्रेस कार्यकर्ता के सभी पदाधिकारी गण कार्यकर्ता इस मौके पर उपस्थित रहे और गांधी जी को पुष्प अर्पित कर देश में शांति कायम करने और सभी वर्गों में भाईचारा बनाए रखने का संदेश दिया है। जिला अध्यक्ष दिनेश खुड़निया ने बताया कि डूंगरपुर विधानसभा क्षेत्र की 4 विधानसभाओं पर इस बार कांग्रेस का झंडा लहराएगा। कांग्रेस द्वारा इस बार जो पैम्पलेट्स बनवाए गए हैं उनका शीर्षक है झूठे वादों का खेल, मोदी सरकार फेल। इन पैम्पलेट्स को कांग्रेस कार्यकर्ता स्वयं घर घर जाकर लोगों में वितरित करेंगे। इस मौके पर पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा, जिला अध्यक्ष दिनेश खुड़निया, लाल शंकर घटिया, रतनदेही भराड़ा, प्रेम कुमार पाटीदार, रोशन दोषी, मोज लांबा आदि वरिष्ठ जन उपस्थित रहे। प्राइम न्यूज 24 के लिए डूंगरपुर से विपिन जोशी की रिपोर्ट। आज भाजपा के दो सदस्यों को एडॉप्ट करने की बात करते हैं। आज महात्मा गांधी को आगे करते हैं, सरदार पटेल को आगे करते हैं, वो देश के जगजाग कर रहे हैं। वो जानते हैं बिना महात्मा गांधी के और बिना पटेल के हम लोग इस देश में आज असक्षम है। आज इनको बुलाने की बात करते हैं। आज गांधी जयंती है, हमेशा देश भर में प्रभात फेरी आनी चाहिए। एक भाजपा का व्यक्ति इस प्रभात फेरी में आकर इनाम जरूर लेता है और खास करके मोदी लेता है। इनके लोग वो खाली लोगों को ठीक भ्रमित करने की बात करते हैं। एक विचारधारा की लड़ाई, एक विचारधारा देश की आजादी।